ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में हुए 6,990 संक्रमण के मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 18 महीनों में सबसे कम केस, 190 मौत। एक्टिव केसों की संख्या 1,00,000 के करीब। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अब भी आईसीयू में, हालत काफी गंभीर और नाजुक। बीती रात से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं 67 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार। कोविड संक्रमित होने के बाद से बिगड़ रही सेहत। संसद की कार्रवाई का दूसरा दिन आज, लोकसभा और राज्यसभा में पेश होंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट और डैम सेफ्टी बिल। लोकसभा में होगा प्रश्नकाल। राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, सांसद माफी मांगे तो सस्पेंशन पर हो सकता है विचार। टीएमसी की डोला सेन बोली, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर गर्व। लॉकडाउन की पहली तिमाही में 7.5% तक गिरा रोजगार। राज्यसभा में बोला केंद्र, जून 2020 का डेटा मौजूद नहीं। सरकार के सर्वे का दावा, परिवहन और निर्माण समेत 9 क्षेत्रों में कार्यरत पुरुषों की संख्या 10,00,000 और महिलाओं की संख्या 7,00,000 गिरी। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने दिया इस्तीफा। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने प्लेटफॉर्म का संभाला कार्यभार। सीईओ बनते ही सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर अग्रवाल, फ्री स्पीच और नस्लवाद से जुड़े ट्वीट की आलोचना। और शर्जील इमाम की जमानत पर बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट, नहीं दिया भड़काऊ भाषण, हथियार रखने का भी नहीं आह्वान। राजद्रोह मामले में 27 नवंबर को मिली बेल, लेकिन यूएपीए केस में जेल में ही रहेंगे जामिया स्टूडेंट शर्जील।